मुंह का हालत नहीं, हीरोइन कम से कम मुंह तो दिखाओ यार, छोटी बच्ची है। एक्सीडेंट हो गया, दोस्तों जी चला रहा था बाइक, आगे का पहिया ऊपर की जाने नहीं। 63 तरह तरह के मतलब फिश यहाँ पे देखने को मिलेगा। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। लाइक 15-20 दिन हो गया इसे, आई थिंक मेरे हिसाब से। आप लोगों को तो पता ही है, रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ बहुत बड़ा सा, फिर उसके बाद मैं बीमार से मतलब उठ ही नहीं पाया, इतना मतलब भयंकर वाला मतलब एक्सीडेंट हुआ था। आज 10-15 दिनों के बाद आज घर से निकल रहा हूँ, तो आज संडे है इसीलिए जस्ट कहीं पे जा रहा हूँ एंड एक भाई से मिलाता हूँ, फिर वहाँ पे जाके तैयारी करते हैं कहाँ पे जाता हूँ आज का दिन, मतलब कहाँ कैसे गुजरे हूँ, तो उसी के लिए वहाँ पे जाके प्लानिंग करता हूँ, फिर चलो चलते। भाई पिछला मैं 10 मिनट से रोक रहा हूँ यहाँ पे, मतलब रोक के रखा, अभी आ रहा है, देखो ये रुक जाओ, गिर जाओगे भाई साहब, गिर जाओगे। हाँ, शुरू हो गया। एक और बात पर एक सरप्राइज है, बस आग बंद करो, अभी खोलो। लॉलीपॉप मासूम बच्चा के लिए, मासूम से चॉकलेट लॉलीपॉप, बुरा मत मानना मेरे लिए। तो गाइस फिलहाल हम लोग आ चुका बोया का जो इको पार्क है, जो लाइक 2 साल बाद में आज ओपन, मतलब आज तो ओपनिंग नहीं हुआ, मतलब 1.5 महीने हुआ है ओपनिंग करने में, एंड आज मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इको पार्क में, बोया का इको पार्क। तो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब एक काम चल रहा है, अभी भी काम मतलब टोटल हुआ नहीं है, कम्प्लीट हुआ नहीं है, अभी देखो अभी भी काम चल रहा है यहाँ पे। और बोया में तो नया नया और भी बहुत सारा चीज बनाया है अंदर, बहुत कुछ है, तो मैं वही जस्ट देखने के लिए आया एंड टिकट भी ले लिया। टिकट ज्यादा प्राइस नहीं है, पर पर्सन 10 रुपीज। बहुत प्यारा प्यारा तरीके से सजा के रखा, बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ ना, मैं नहीं आ रहा हूँ सब, मैं फर्स्ट टाइम ही आया। मैं फर्स्ट टाइम आया भाई, बचपन से लेके आज तक कभी नहीं आया, जस्ट आज ही आया इतना दिनों के बाद। आया ऐसे ही घूमने भाई, घूमने चलो चलो। ये बच्चा है ना, इसको इसमें चढ़ना है भाई, आर्मी की तैयारी कर लू, इधर आ जाओ, आर्मी की तैयारी करता हूँ भाई। बोया का जो इको पार्क है, एक और नया चीज बनाया, ये जो है ये जो ब्रिज दिख रहा है भाई, बहुत ही औसम है, लाइक टोटली कूल। ये भाई साहब देखो, भाई साहब गिर जाओगे, पटक देगा जाने नहीं तुझे। गाइस बोया गांव में जो बोया का जो पार्क है, इसमें एक और नया चीज आया है, ये रहा, चेक दिस आउट। सो गाइस वेलकम टू पब्लिक एक्वेरियम, जहाँ पे ढेरों सारा लाइक ये बोयागांव में नया नया ओपन हो चुका है, जो बोयागांव पार्क के अंदर है, एंड यहाँ पे ना ढेरों सारा लाइक फिश वगैरह, मतलब समंदर का बहुत सारा फिश यहाँ पे रख के मतलब स्टोर करके रखा, जो बहुत ही प्यारा प्यारा सा मछली है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोग फिलहाल सिनेमेटिक चेक कर लीजिए। भाई साहब एकदम टोटली ऑसम प्लेस है यार, आप लोग यहाँ पे आओ मतलब विजिट करो, बहुत ही मस्त प्लेस है। आप लोग यहाँ पे आके मतलब लाइक यहाँ का जितना भी फिश वगैरह है ना, मतलब इन लोगों से आप लोगों को बातें करके, बात तो कर नहीं पाओगे बट देख के जितना खुशी मिल रहा है ना मेरे को, आप लोगों को भी मिलेगा। आप लोग भी आओ यहाँ पे घूमो, देख के जाओ यार, कम से कम बहुत ही सस्ता प्राइस है, 10 रुपए सिर्फ। ये देखो भाई कैप पहना हुआ है, कैप भाई। यहाँ पे सिर्फ ढेरों सारा मछली देखने को मिलेगा और कुछ नहीं, बस समंदर का हर मतलब ढेरों सारा मछली है, बस देखते रहो। ये रहा छोटा छोटा, ये तो बहुत छोटा है भाई साहब, कलरिंग फिश, ये कुछ अलग है। सो भाई ये है म्यूजियम, जो जहाँ पे ढेरों सारा फिश है, एंड ये चीज मतलब बोया का जो पार्क है, पार्क के अंदर कुछ नया बनाया है और भी कुछ बना रहा है अंदर, मतलब एक्वेरियम टाइप का कुछ बना रहा है, एंड ये फिलहाल कुछ नया आया है बोया पार्क में, और लाइक ढेरों सारा एकदम मछली मछली, दिल एकदम खुश हो गया ये सब देख के। और लाइक ये देखो भाई, तरह तरह के मछली है, नाम इधर दिया हुआ है, देखो हर किसी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है हर फिश का। भाई साहब एक और बात, यहाँ पे जो टब दिख रहा है ना, ये वाला जो टैंकी दिख रहा है, तो भाई यहाँ पे टोटल 63 टैंक है यहाँ पे, मतलब 63 तरह तरह के मतलब फिश यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड एकदम हरे भरे एकदम है, मतलब टैंक में एकदम हरा भरा सा टैंकर है, एकदम मछली पूरा पूरा एकदम, ज्यादा नहीं है बस थोड़ा ही है। एंड एक और बात जो हर किसी को पता ही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता ही है, ये जो उबालता हुआ जो पानी दिख रहा है ना यहाँ पे, एक्चुअली ये क्या होता है, मतलब ऑलवेज मतलब एक्सचेंज होते रहता है पानी जो है, ऑलवेज ये तार जो दिख रहा है, तार नहीं है पाइप है, तो इसके मदद से ऑलवेज मतलब एक्सचेंज होते रहता है पानी, तो वही है बस। मछली को भी मतलब जिंदा रहने के लिए मतलब प्योर पानी चाहिए ना, मतलब उन लोगों को भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होता है ना, तो इसलिए ऑलवेज एक्सचेंज होते रहता है। इतना पता है पब्लिक को भाई, मत बोलते अंडा के फोड़ने के लिए आता है यार, छोड़ो छोड़ो, ये तो है ही जलाने के लिए। एनदर डे सेम ब्लॉग, एंड आज हमारा शूट है, तो शूट के लिए हम लोग बस जा ही रहा हूँ, एंड हीरोइन भी आने वाला है, तो वहाँ पे जाके आप लोगों से बातें शातें करता हूँ एंड मिलता हूँ, कैसे कैसे शूट लेता हूँ, एंड नेक्स्ट शूट कौन सा मतलब सॉन्ग आ रहा है तो आप लोगों को मैं बोलूंगा, तो वीडियो बने रही है, तो तब तक के लिए मैं चलिए चलते हैं। एंड आज का शूट है हमारा गाँव में, जो मुजावरी है, जो शमटावरी के पास में ही है, या दूर नहीं, आप लोग शायद पहले देखा ही होगा, जो साल बागान है, हमारा विलेज टूर कराया था आप लोगों को, तो आज हमारा विलेज में शूट लूंगा, तो चलिए गाइस वहाँ पे चलते हैं, एंड एक और मस्त सा प्लेस है वहाँ पे जाऊंगा, सीक्रेट है, आप लोग चलिए। तो फाइनली हम लोग शूटिंग के लिए आ चुका हूँ बथौर फैमिली रिजॉर्ट पे, एंड यहाँ पे आते आते हमारा देखो एक्सीडेंट हो गया,
इस भाई का देखो, ये दोस्तों जी चला रहा था बाइक और पीछे ये बैठा था, आगे का भाई आगे का पहिया ऊपर किया और ये गिर गया बेचारा। गजब बेइज्जती। और हमारा हीरोइन किधर गया? ये हमारा हीरोइन जो सच दस रहा है, शर्मा क्यों रहा है भाई साहब इस साइड में? मुझ मुझ भाई इसको शर्म आ रहा है, शर्म को गोली मारो रे, गोली मारो। मुंह का हालत नहीं, हीरोइन कम से कम मुंह तो दिखाओ यार, छोटी बच्ची है, दिखने में एकदम छोटी बच्ची है भाई, छोटी बच्ची नहीं, इसका एज कांड ऐसे ऐसे करते है ना, हिल जाओ कोई बात नहीं। चलो हमारा नेक्स्ट रूट अभी यहाँ पे, इसको उम्र कितनी? 17 साल की बुढ़ी है, दादी है। अच्छा चलो इसको पहले पट्टी वट्टी मार लेते, इसको पहले लगाना चाहिए पहले इसको लगा दिया रे। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग शूटिंग वूटिंग करते हैं, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट शूट होगा काजल गांव पे, तो वहाँ पे जाके शूट ले।